ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हमारे से हो चुका है वो ये हो गया है कि सर बोर्ड का एग्जाम कब होगा। बार बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम कब होगा। यह डेट फाइनल हो चुका है, लगभग आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड का एग्जाम कब होगा और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस क्वेश्चन मतलब इस बात को लेकर वो सारे चीज क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं हम लोग बोर्ड का एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कहां से जन्म लिया, आखिर में इसका उत्पत्ति कब हुआ। तो हमारे उप मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, किसी कार्यक्रम के दौरान गए थे। तो वहां पे लोकल न्यूज चैनल वाले बैठे थे, लोकल न्यूज वाले बैठे थे, वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या पंचायत चुनाव के साथ साथ बोर्ड का एग्जाम हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी में अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या उसके साथ हो सकता है। तो उन्होंने केवल एक बात बोला उस न्यूज चैनल से कि आप लोग ये ध्यान लीजिए कि पंचायत चुनाव जो होगा उसके लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों को लेटर आया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम को टाल दिया जाए भविष्य के लिए, मतलब 24 अप्रैल को ना करवा करके उसके आगे उसको टाल दिया जाए। इस चीज से उन्होंने ये बताया आगे चल करके कि हाँ इस पे मंत्रणा हो रहा है कि आगे इसको किया जाएगा। बस इतना ही उनका स्टेटमेंट आया। फिर बाकी न्यूज़पेपर वालों ने अपने तरफ से क्या क्या शोध वगैरह किया, अपने सूत्रों के द्वारा पता कर चलाया, और आज हम भी बता रहे हैं कि हमने भी अपने तरफ से बहुत ही रिसर्च किया। इसके तहत हम भी बताने जा रहे हैं कि हाँ चांसेस है, 70% चांसेस है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है अब 24 अप्रैल को ना होकर के आपका भविष्य में होगा। भविष्य में किस तिथि तक होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए हमने 70% चांसेस बोला है, मतलब कि अभी भी हमने 30% ये रखा है कि 24 अप्रैल को हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूपी का पंचायत चुनाव कब कब होने वाला है। यूपी का पंचायत चुनाव जो होने वाला है वो 15 अप्रैल को होगा, 19 अप्रैल को होगा, 26 अप्रैल को होगा और 29 अप्रैल को होगा। इस चरण में यूपी के पंचायत चुनाव के होने वाले हैं और 2 मई को उसका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या है, जब 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा तो यूपी बोर्ड के एग्जाम तो आगे बहुत दिनों तक चलने वाले थे। ऐसे कंडीशन में मतलब यूपी बोर्ड का एग्जाम हो सकता है, लेकिन नहीं होने का कारण ये भी है कि पंचायत चुनाव में यूपी बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज लगती हैं, जो भी अधिकारी लोग होते हैं उनकी ड्यूटीज लगती है, और उसमें 50% समझिए 50% जो टीचर्स हैं उसी पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व रहेंगे, चुनाव करवाने में, वोटिंग को काउंट करने में, रिजल्ट बनाने में, इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसके वजह से केवल 50% शिक्षक लेके यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 70% चांसेस है कि आपका 24 अप्रैल को एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब बात होता है कि आखिर में एग्जाम कब होगा, तो इसके लिए बहुत से सूत्रों के द्वारा, बहुत सी चीजों के द्वारा, न्यूज़पेपर वगैरह इन सारे चीजों को छानने के बाद, अपने तरफ से हम भी पूरी कोशिश करने के बाद ये पता लगा है कि एग्जाम जो होगा वो 2 मई के बाद ही होना है, और कब होगा 5 मई से लेके 10 मई के बीच में कभी भी उसका टाइम टेबल आएगा, ठीक है। 5 मई से 10 मई, 10 मई से ज्यादा नहीं जाएगा और 5 मई से भी कम नहीं जाएगा, इसी के बीच में इसका टाइम टेबल मतलब इसी का एग्जाम आएगा। और जो ये नया शेड्यूल बनने वाला है, जो आपका 5 या 10 मई से पहले बीच में कभी भी एग्जाम स्टार्ट होगा, वो नया शेड्यूल बनने वाला, उसका टाइम टेबल कब आएगा, तो टाइम टेबल आपका 10 से 15 अप्रैल 18 अप्रैल के बीच में नया टाइम टेबल आ जाएगा। तो आप लोग अपने मन के सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 18 अप्रैल तक मैक्सिमम इंतजार कर लीजिए। इतने दिन के अंदर में आपका जो है नया शेड्यूल का 10 से 18 अप्रैल 10 के बाद ही हमको चांसेस है कि ज्यादातर आ जाए, या उससे पहले एक दो दिन पहले आ सकता है, ज्यादातर चांसेस है कि पहले आ जाए। और आ जाएगा तो आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, जैसे ही 10 तारीख आएगा तो लगभग आपको क्लियर हो जाएगा कि नया एग्जाम कब होने वाला है, उसका टाइम टेबल क्या होने वाला है। याद रखिएगा एग्जाम जो है अब 24 अप्रैल से ना होकर के 5 मई के पास जा रहा है, तो समय आपका थोड़ा सा और बढ़ गया, इस समय को यूज कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को पूरा चीज क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम कब होने वाला है, किस डेट पे आने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है, और ये क्वेश्चन क्यों उठा मन में, ये भी बात क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।